ओके एवरीवन, सो मैं जाने वाली हूँ सैलून में आज अपने बाल स्पा कराने के लिए। तो मेरे साथ आज देखिए पूरा दिन क्या होता है क्या नहीं, कैसे पूरा दिन मैं सैलून में, क्योंकि सैलून में जब भी जाते हैं पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। सो हे एवरीवन, सो सैलून में जाके सबसे पहले हुआ मेरा हेयर वॉश एंड उसके बाद मैंने बाल वाल सुखाए। तो मैं स्टार्टिंग में तो काफ़ी खुश थी क्योंकि शुरू में तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड ये सब हो रहा है। तो गाइज मेरे बाल वॉश होने के बाद सबसे पहले हुआ मेरा ड्रायर, क्योंकि एंड मैं आपको बता दूं कि मेरे बालों में इतना डैंड्रफ हो रहा था इतना, तो फिर मैं पहले तो केराटिन कराने गई बट केराटिन उन्होंने मना कर दी कि केराटिन नहीं हो पाएगी। तो मैंने स्पा ही लिया कि उससे हेयर फॉल होने लगेगा। आई डोंट नो हेयर फॉल कितना हो क्योंकि मेरे बाल बहुत ही कम बचे हैं। बाल मेरे इसलिए कम बचे हैं क्योंकि मैं पहले रनिंग करती थी एंड रनिंग में जैसे एक साल मैंने रनिंग की, क्योंकि मैं बता दूँ मैं काफ़ी मोटी हुआ करती थी। तो जब मैं मोटी हुआ करती थी तो फिर मुझे अपना वज़न घटाना पड़ा एंड वज़न घटाने के चक्कर में क्या हुआ कि मैंने बहुत ज़्यादा डाइटिंग वाइटिंग की एंड ये। तो ऐसा नहीं है कि मेरे बाल वैसे तो शुरू से ही पतले हैं, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ा मतलब इतने भी पतले नहीं थे, तो ज़्यादा ख़राब हो गए थे मेरे बाल की, ज़्यादा टूटने लगे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, जितने बचे कुचे थे मैंने उनकी स्मूथनिंग करा ली। स्मूथनिंग के बाद फिर क्या हो गया कि कलर वगैरह भी ले रखा था मैंने अपने बालों पे, लेकिन उससे क्या हुआ कि मेरे बाल ज़्यादा दो मुहे वगैरह ये होने लगे। तो सबसे पहले मैंने जाके वहाँ पे दो मुहे निकलवाए बाल। तो चलो देखते हैं कैसे निकलते हैं ये। तो अभी तक मुझे ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका था। तो उसके बाद मैं अपनी बनाती हूँ आईब्रोज, क्योंकि ये भैया बोले थे कि मुझे बहुत अच्छी आईब्रोज बनानी आती है एंड इन्होंने मेरी आईब्रोज सच में बहुत अच्छी बना दी। तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं एंड आपको भी अपनी आईब्रो यहाँ पे बनवानी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सच में मतलब यार, क्योंकि मेरी आईब्रो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं एंड एक बार क्या हुआ था कि मैंने खुद अपनी आईब्रोज का नाज मार लिया था। तो उसके बाद मतलब ये हुआ कि मैंने मतलब बहुत कम बनवाई है एंड जब इन्होंने बनाई तो फिर उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। तो अभी फ़ाइनल रिज़ल्ट आप देखना। तो ये है मेरा फाइनल रिज़ल्ट एंड उसके बाद मैं काफ़ी स्टाइल वाइल मारती हूँ एंड पीछे ये देखो सब कैमरे में देख रहे हैं। तो अभी मेरे बाल दोबारा थोड़े गीले करके एंड स्पा को किया जाएगा। देखो पीछे सामान रखा है स्पा वगैरह का एंड बाल सुलझाए जाते हैं एंड मुझे इतना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसे खींचे जा रहे थे बाल, मतलब मैं इतनी परेशान होगी। मैंने खुद कंघा लेके बोला कि लाओ मैं खुद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे सच में काफ़ी पेन हो रहा था, क्योंकि एक तो वैसे ही बाल इतने पतले हैं एंड फाइनली बाल सुलझ गए एंड उसके बाद स्पा वगैरह का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो गाइज़ मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, मतलब म्यूज़िक की एंड काफ़ी लोग थे, तो वहाँ पे मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है एंड थोड़ा सा ये होता है कि बाहर थोड़ा कम बोलना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है मैं शूट कर लेती हूँ फिर बाद में वॉइस ओवर कर लेती हूँ। एंड इन्होंने इतना सारा स्पा क्रीम लगा दी मेरे बालों पे एंड डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा हो रखा था मेरे बालों पे, तो डैंड्रफ के कारण भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ा। चलो देखते हैं डैंड्रफ जाता है कि नहीं जाता है। बाकी इतना ज़्यादा मैं थोड़ी परेशान होने लगी, आपको मेरी शक्ल देख के लग ही रहा होगा। आई नो मुझे पता है आपको मेरी शक्ल देख के हंसी आ रही होगी, क्योंकि दिख रहा होगा कि मैं कितनी बोर हो रही हूँ एंड मुझे इतनी नींद आने लगी। एंड आप बता दूँ मैं 11:30 बजे गई थी एंड 11:30 बजे से मुझे 3-4 बज गए थे एंड ये मेरा फाइनल लुक है। एंड प्लीज़ कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी एंड आप बताना कि आपको मुझे शॉर्ट वीडियो पसंद है या लॉन्ग वीडियो।